हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर दोस्तों, आज के दिन तो पूरे मीडिया में आप लोगों ने देखा ही होगा, शेयर बाज़ार की बात करें, बाकी भी मीडिया की अगर हम बात करें, अदानी से रिलेटेड ही आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी हम भी इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ कवर कर चुके हैं, क्योंकि जो टॉपिक भी था उसका डीप नॉलेज आप लोगों में होना चाहिए। पिछला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पीछे का एक्चुअल खेल क्या है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एंड पहले वीडियो से ही हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की है कि कैसे ये जो एलिगेशन है वो सीरियस इसीलिए बन जाते हैं, बिकॉज पहले हिंडनबर्ग की बात करें, भाई हिंडनबर्ग छोड़ दो, वो तो मतलब एक प्राइवेट है भाई, उनकी वेबसाइट है, उससे रिलेटेड एलिगेशन लगाया, ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है एक तरफ, बट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की एंट्री इसमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। ये एक बहुत ही मतलब सीरियस मैटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्वियसली अदानी ग्रुप अमेरिका के जो कोर्ट है वहाँ पे जाके फाइट डेफिनेटली करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आउटकम क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। बट जैसे कि आपको पता है, अदानी जी ने भी अपने साइड से क्लैरिफिकेशन दे दिया, भाई ये सारी चीज़ें बेसलेस है करके, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अभी मामला क्या आपको पता है, ये ब्राइबरी एंड ऑल दैट, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आ चुका है। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ये जो सारी चीज़ें जो यहाँ पे चल रही है इसका इम्पैक्ट सिर्फ अदानी ग्रुप तक सीमित नहीं रहा अभी, ठीक है। इसका डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर हम लोग को देखने को आप मिल रहा है, एंड शायद से आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो आज के दिन की बात करें तो ये जो अरेस्ट वारंट हम लोग को देखने को आप मिल चुका है, एंड जो एलिगेशन भी देखने को मिल रहे हैं सिर्फ गौतम अदानी के ऊपर नहीं है, और भी 6-7 लोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सागर अदानी की बात करें, जो कि गौतम अदानी के ही नेफ्यू है, उनका भी नाम हम लोग को देखने को मिल चुका है, और ये है क्या, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अदानी ग्रीन एनर्जी के, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी ग्रीन का शेयर भी हम लोग को कुछ ज़्यादा ही गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मामला इसी से रिलेटेड ज़्यादा जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि विनीत जैन का नाम देखने को मिल रहा है, दीपक मल्होत्रा का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और नाम है आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए सौरभ अग्रवाल है, ठीक है, और भी नाम है, रुपेश अग्रवाल है, एंड देन दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, कौन सा, राजीव गुप्ता। अभी आप बोलोगे राजीव गुप्ता ये नाम इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, बाकी नाम भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये खास करके क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राजीव गुप्ता जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ये CEO थे, ठीक है, 2019 से लेके 22 तक, ठीक है, किस कंपनी के, तो कंपनी का नाम है अजूरे पावर ग्लोबल लिमिटेड। अभी ये जो कंपनी का नाम आप लोगों ने देखा है अजूरे पावर ग्लोबल, किधर तो आप लोगों ने सुना सुना सा लगा होगा, जो इस चैनल को रेगुलरली देखते होंगे कभी ना कभी आपके आंखों के सामने ये कंपनी आई होगी। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर देकर सोच सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ लेते हैं, ये कंपनी हम लोगों ने कहाँ पे देखी, तो दोस्तों हमारे जो ADR है, यस इंडियन ADR का ये जो चार्ट पैटर्न मैं रोज़ आपको दिखाता हूँ, भाई देखो इन्फोसिस कैसा चल रहा है, ICICI बैंक कैसा चल रहा है, विप्रो कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जब ये लिस्ट चेक करते हैं तो इसमें और भी कंपनी सामने आ जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली कंपनियाँ भी, तब हम लोग को इस लिस्ट में एक नाम देखने को मिल जाता है, यस ये नाम अभी आपके सामने आ गया, अजूरे पावर ग्लोबल करके। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो गई, लगभग 60% क्रैश, अभी 60 था, अभी 55-56 देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से धाराशाही होते हुए देखने को आप मिल चुका है, बिकॉज जो इस 6-7 लोगों के जो नाम है, ठीक है, इसमें से देखा गया तो इस कंपनी का भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें वो जो व्यक्ति था वो CEO था, एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि विदेश में तो जो मार्केट है वहाँ पे कोई सर्किट विर्किट का काम नहीं होता है भाई, सीधा एक ही झटके में पूरा स्टॉक उड़ सकता है या फिर ख़त्म भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं कंपनी किस हद तक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को आप मिल चुकी है, नियर बाय 60% क्रैश, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई, जो अदानी ग्रीन का नाम हम लोग को देखने को आप मिल रहा है ब्राइबरी केस से रिलेटेड, इसमें यही अजूरे पावर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड ये अमेरिका में इसका ADR है भाई, तो US का जो SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो पहुँच गया भाई, उन्होंने मांगा है क्लैरिफिकेशन इससे रिलेटेड, ठीक है, तो अभी उसको वो रिस्पॉन्ड यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, इस चीज़ के चलते अदानी के साथ साथ ये कंपनी को भी यहाँ पे नीचे खींच लिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इन्वेस्टर, मतलब अदानी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, तो दोस्तों आप सभी लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, GQG पार्टनर, यस राजीव जैन, आप सभी लोगों को पता ही है, जब बीच में अदानी ग्रुप काफ़ी टफ टाइम पे चल रहा था, तो अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा संकट मोचन का काम किसी ने अगर किया था
तो जी के जो पार्टनर ने किया था, उन्होंने ही अदानी ग्रुप के भारी मात्रा में शेयर्स खरीदे थे। एंड आज आप देख सकते हो कि उनका जो शेयर है जो अमेरिका में ट्रेड होता है लगभग 19-20% क्रैश हो गया, ठीक है, क्योंकि अदानी के बहुत सारे हेवी शेयर्स इनके पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को मिल जाता है जिसके चलते अदानी शेयर्स इनके पास है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं आज इनका भी स्टॉक ज़ोरदार क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अदानी जब गिरा है तो इसके साथ ये भी स्टॉक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी जीके जी पार्टनर के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल उन्होंने कहा है कि भाई वो भी मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या करना है आगे करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग जीके जी पार्टनर की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट कौन कौन से अदानी ग्रुप में देखने को मिल रहे कंपनीज़ में। तो देखिए अदानी ग्रीन, भाई ये तो सबसे पहला नाम आ गया। देन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, देन अदानी पावर, देन अंबुजा सीमेंट, देन अदानी पोर्ट। तो इसमें हम लोग को इसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो नज़र आ रहा है जिस चीज़ के चलते जीक्यूजी पार्टनर भी अभी रडार के ऊपर रहेगा कि कल अदानी ग्रुप में क्या होता है, कल जीक्यूजी पार्टनर के शेयर में भी क्या होता है, ये हर किसी के फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे देश में आप सभी लोग पता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर किसका है, LIC का। एंड इसीलिए हम देख सकते हैं दोस्तों जब भी अदानी ग्रुप में कुछ भी इशू होता है LIC के शेयर में भी वो झलक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं LIC का लगभग 8,700 करोड़ का वैल्यूएशन के हिसाब से नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि अदानी के शेयर्स इतने नीचे यहाँ पे आ गए कि इनका लगभग 8,500 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू जो था वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी देखना पड़ेगा कि और कितना डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बैंक्स, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अदानी के नाम के साथ साथ एक और नाम चलता है वो है लोन, डेप्ट, कर्जा। एंड देखा गया तो अदानी ग्रुप को प्राइवेट कंपनीज ने भी, बैंक्स ने भी लोन दिया है, सरकारी बैंक्स ने भी लोन दिया है, बट सरकारी बैंक का जो लोन है वो बहुत हायर लेवल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें से नंबर वन अगर हम लोग बात करें तो किसका एक्सपोजर है, यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। नेट गिरावट कितनी थी आज के दिन, 2.5%। एक्चुअल में देखा गया तो जोरदार एकदम गिरा था, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। सो SBI की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, 25,000 करोड़ के आसपास का लोन उन्होंने अदानी ग्रुप को देखे यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली SBI के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो उन्होंने भी अच्छा खासा लोन यहाँ पे अदानी ग्रुप को देखे रखा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने भी लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का लोन देखे रखा हुआ है। अदानी ग्रुप की बात करें तो आप देख सकते हो 4.25%, ये भी डाउन है। नीरव मोदी का जो स्कैम हुआ था इसके बाद तो ये जो गिरा है उसके बाद तो कमबैक ही नहीं हुआ, आप देख सकते हो, ये देखो तब से लेके जो गिरा था थोड़ा बहुत हुआ था बट वापस अभी नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो PNB की हालत तो काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है। सिमिलर वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इनका भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैनरा बैंक का भी नाम देखने को मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम सरकारी कंपनीज आप देख सकते हो। PFC की बात करें, यस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर ले, REC की अगर हम लोग बात करें, ये भी जो सरकारी कंपनीज है इनका भी हम लोग को अदानी के साथ यहाँ पे फिलहाल तो एक्सपोजर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट कंपनीज का भी नाम है बैंक का, इंडसइंड बैंक है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक भी है, बट ओवरऑल अगर हम लोग खास करके फोकस अगर करें तो जैसे मैंने कहा कि सरकारी बैंक्स का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी हेवी लेवल का हम लोग को देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट बैंक। एंड इसीलिए हम लोगों ने आज के दिन देखा भी कि जो गिरावट यहाँ पे थी प्राइवेट बैंक में भी हम लोग को पहले प्रेशर देखने को मिला था बट बाद में रिकवरी हुई, बट सरकारी बैंक्स निफ्टी आप देख सकते हो 2.5% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिला था। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड कभी भी कोई भी खबर आती है तो उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी जो कंपनियाँ हैं ये भी हम लोग को रडार के ऊपर आते हुए देखने को मिल जाती है। LIC भी हो गया, ये सरकारी बैंक्स भी हो गए, प्लस उसी के साथ साथ अभी जो अजूरे जो कंपनी है पावर ग्लोबल करके, ठीक है, उसको भी रडार पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ GQG पार्टनर, आप चाहो तो उनके भी शेयर्स को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग को एक साथ बंच के साथ चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, भागते हैं, अच्छी अगर कोई खबर आती है अदानी ग्रुप एकदम रॉकेट बन जाता है तो इनमें भी हम लोग को वो खुशहाली पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड वाइस वर्सा, अगर कभी अदानी ग्रुप में इस प्रकार की गिरावट आती है तो ये भी कंपनियाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को रडार के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, ऑब्वियसली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो अगर आप लोगों को एक और डिफरेंट टाइप का वीडियो चाहिए, डिफरेंट टाइप का वीडियो मतलब क्या, देखिए कंपटीशन तो चलता रहता है तो अदानी ग्रुप अगर कभी भी मुश्किल में अगर पड़ जाता है, ठीक है, इसके पहले भी पड़ा था यहाँ पे इस प्रकार के चलते, तो कौन से वो कंपनीज है
कौन से वो शेयर्स है उनको बेनिफिट होता है, ठीक है, मतलब वो चाहेंगे, चाहेंगे मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के चाहेंगे, बट वो कहेंगे कि हाँ भाई ये जितना ऐसे मुश्किलों के साथ जूझता रहे हमारे लिए अच्छा है करके, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है ना। तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए जस्ट यस करके बोल देना। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि अदानी ग्रुप अगर मुश्किल समय में अगर जितना टाइम गुजारते रहेगा, जितना वो अटकता रहेगा, उतना उन कंपनीज के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ऑब्वियसली इस टॉपिक को भी हम लोग आज तो देख ही लेते हैं, अभी कवर करना मुश्किल है, कल शायद से कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट आप चाहो तो यस कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।